इंदौर आईएमए ने अपना तीसरा वुमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव आयोजित किया, जिसमें देश की अलग अलग क्षेत्र के सफल महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी बताते हुए वुमेन लीडरशिप के मंत्र दिए। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन आईएमए ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में वुमेन लीडरशिप कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया, जिसमें 13 सफल महिला स्पीकर्स ने उद्यमी नेतृत्व, उद्यमिता और विपणन के टिप्स दिए। कॉन्क्लेव की थीम थी स्टीयरिंग द वर्ल्ड टुगेदर। इस दौरान देश भर की सफलतम महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी बयां की। मार्केटिंग डायरेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेस्ले इंडिया की संगीता तलवाल और नीना चतुरथ ने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करते हुए अनुभवों को साझा किया। The work they need to do to understand what are the choices they are making. Between what and what? What lies ahead? What do you know of what lies ahead? What is it that you want to do? Have you connected with your inner self to understand what is your passion? Where do you want to go? Help them with all that, but do not make the decision for them. Because once you make it your choice, there are a couple of very important things that happen. You take responsibility for the outcomes of that choice. Otherwise, you spend the rest of your life pointing a finger at someone who took that choice, who made that choice for you, which is a very bad place to be. The other thing it does for you is it convinces you, it builds trust in yourself. It builds your confidence that you made a choice, you saw it through to its success, and then you moved forward and you made your next choice. So I think it's very important. I would encourage you to not take the more convenient option, which is to make the choice for the youngsters. And I remember we started this about 10, 11 years ago, and every year we would sit down in a part of the steering committee and sit and say, what should be the theme, you know? And what's very interesting is that a lot of people came with very negative themes. Meri saas mere ko kaam nahi karne deti hai. I get caught up with my children's studies. I was so bright once. I could never enter the world of work. And a lot of us have gone through it, you know. In small measures, in big measures, we've all got obstacles. And as a steering committee member, Veena... आईएमए के सचिव चांदनी त्रिवेदी ने बताया कि इस बार वुमेन कॉन्क्लेव में अलग तरह के स्पीकर्स थे, जिन्होंने सभी को बहुत प्रभावित किया। इस बार पिछले बार की तुलना से ज्यादा ऑडियंस थी। हर एज ग्रुप के स्पीकर्स थे, जिन्होंने महिलाओं को काफी अच्छी तरह मोटिवेट किया। हम हर साल कोशिश करते हैं, इस बार हमारा जो दिन था वो पूरा पावर पैक सेशन था। 9 बजे से जो हॉल पूरा पैक था वो पूरी अंत तक पैक रहा, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात रहती है। और वुमेन इंजॉय भी करती हैं इसको। इस बार जो हमारे स्पीकर्स हैं वो अलग तरह के स्पीकर्स थे, और ऑडियंस के फीडबैक ने हमको ये बताया है कि उन लोगों को बहुत पसंद आई है ये कॉन्क्लेव। एंड ये बहुत पावर पैक सेशन था। लोगों मतलब पिछले बार, इस बार हमारे पास नई ऑडियंस भी आई है, जो पिछले साल नहीं थे वो आए, तो उनसे हमको फीडबैक मिल रहा है कि दे आर एंजॉइंग इट अ लॉट। सो अभी तक मतलब हमारा जो कार्यक्रम है बहुत अच्छा रहा है इस साल, तो अब हम कोशिश करते हैं अगले साल ही। हमारे आज जो स्पीकर्स थी, जैसे हमारा जो पहला सेशन था वो इनॉग्रल सेशन था, जिसमें नीना छत्रत जी थी और संगीता तलवार मैडम थी। उन्होंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करी, और उन्होंने ये भी बताया कि उनको अपने समय में, क्योंकि उन लोग 40 लगभग 40-45 साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस रहा है, उस समय उनको क्या चैलेंजेस आए थे और उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस में बहुत मिक्स क्राउड है, ऐसा एक हर एज ग्रुप है, तो काफ़ी सारे लोगों ने उसको रेजोनेट किया। ज्योति नारंग जी जो आई थी, उन्होंने वो एक अलग लीडर हैं, उन्होंने भी अपने काफ़ी लाइफ स्टोरीज शेयर करी हैं, उन्होंने बहुत मैनेजमेंट लेसन्स शेयर करे हैं। प्रीता सिंह जी, शी आप उनसे कभी आप उनको सुनिएगा, आप उनसे मिलिएगा। शी इज़ अ पावर हाउस ऑफ एनर्जी। उनकी आवाज़, उनको सुनना ही अपने आप में एक ट्रीट रहती है। वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती हैं पिछले 10 सालों से, आई थिंक इट्स द बिगेस्ट फेस्टिवल। उसके बारे में जो ग्लिम्सेस हमको मिलते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज होता है, आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेरी गुड। शायद वो हमको जो बैक स्टोरी है, हम लोगों को हमेशा वहाँ पे जाकर नहीं पता चलती, तो ये बैक स्टोरीज हमको बहुत सुनने को मिलती हैं, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। तो ऐसे ही बहुत सारी बैक स्टोरी, जो कॉमेडियन थी वो तो बिकॉज दैट एक्ट, अच्छा कॉमेडी हमारे हमेशा एक शो की तरह ली जाती है, बट उसके पीछे भी एक स्टोरी होती है। आई थिंक दैट इज़ वॉट वी ट्राई टू कैप्चर।
सो हमको बहुत सारी लर्निंग्स मिली हैं इस सेशन से आज के। कुल मिलाकर पिछले संस्करणों की सफलता के आधार पर इस वर्ष का सम्मेलन न केवल नेतृत्व में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का है बल्कि उनके सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने का भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।